इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में एक से एक लीजेंड्स कैप्टन रहे हैं, जिसमें से इंडियन क्रिकेट में तीन ऐसे कप्तान रहे हैं जिन्होंने इंडियन क्रिकेट में सक्सेस के नए आयाम को स्थापित किया है। इंडिया के ये तीन लीजेंड कैप्टन रहे हैं सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली। इंडिया के सबसे सफलतम कैप्टन में से इन्हीं की तीनों कैप्टन का रोल बहुत ही खास माना जाता है। सौरव गांगुली, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कैप्टनसी में इंडिया को जबरदस्त कामयाबी दिलाई। तीनों ही कैप्टन में जीत की जो ललक और भूख देखी गई वो वाकई में कमाल की रही है। एमएस धोनी थोड़े शांत रहे, वहीं सौरव गांगुली और विराट कोहली काफी एग्रेशन नजर आते थे। इन खास बातों के बीच इंडिया के इन तीन पूर्व लीजेंड कैप्टन यानी सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में कप्तान बनने से पहले एक ऐसा संयोग जुड़ा हुआ है जो बहुत ही कम बार देखने को मिला। दादा माहिन और विराट ने टीम इंडिया की कमान संभालने से पहले एक खास समानता हासिल की है, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इन तीनों ही दिग्गज कप्तानों की एक खास समानता उनकी वनडे करियर का हाई स्कोर रहा है। गांगुली, धोनी और कोहली तीनों ने अपने वनडे करियर का हाईएस्ट स्कोर 183 रन ही बनाया है। यह सिमिलैरिटी बहुत ही हैरान करने वाली है, साथ ही काफी रोचकता को पैदा करती है। 183 रन के हाई स्कोर को बनने के बाद ही तीनों ने टीम इंडिया के कप्तान बनने का सफर भी पूरा किया। यानी ऐसा संयोग है कि 183 रन का हाईएस्ट वनडे स्कोर बनाने के बाद तीनों को कप्तानी भी मिली। इस खास रिकॉर्ड को जानकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।